हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, एसीबी की कार्यवाही, 7,000 रुपए की रिश्वत लेते थाने का कांस्टेबल रंगे हाथों की आगे गिरफ्तार। अलवर जिले के खेरली थाने में गुरुवार की शाम एसीबी टीम की कार्यवाही करते हुए कांस्टेबल देशराज गुर्जर को परिवादी से 7,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा पुलिस थाना खेरली पर दर्ज करवाए गए मामले में परिवार से मदद करने की एवज में देशराज गुर्जर कांस्टेबल पुलिस थाना खेरली जिला अलवर द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद मीना एवं उनकी टीम के साथ ट्रैप कार्रवाई करते हुए देशराज गुर्जर निवासी गावड़ी तहसील सिकराया पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा, जो वर्तमान में कांस्टेबल पुलिस थाना खेरली अलवर में पद स्थापित है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी की निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी। सर, आज एसीबी की कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई का बताएं। सर, ये हमारा परिवार आया था 8 तारीख को हमारे ऑफिस, उसने आज बात में पत्र दिया था जिसमें बताया कि मेरे नाली और रस्ते का विवाद चल रहा है पड़ोसी से। इसके बदले मैंने एफआईआर को परिवाद दिया है थाने में, उस परिवार में कार्रवाई करने के बदले जो थाने में कार्यरत कॉन्स्टेबल है देशराज 445, उसने 8,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से आज 7,000 रुपये लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया। सर, कहाँ का मामला था ये? खेरली थाने का। ये गिरफ्तार नहीं कर, हाँ उसको अभी कार्रवाई जारी है,